दोस्तों स्वागत है हमारा आपके नए वीडियो में। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये सिंध नदी के बीचों बीच बना हुआ है। इसकी ये खास विशेषता है, इस मंदिर में विष्णु जी के पुत्र ने घनघोर तपस्या की थी, इसकी ये विशेषता है। दोस्तों आपको दिखा रहे हैं जिला दतिया में नगर पालिका सैमड़ा का स्थित मंदिर बलखंडेश्वर महाराज जी का। इस मंदिर से हमें लगभग लगभग पूरे सैमड़ा का पूरा नगर विस्तार रूप में दिखाई देता है। इस मंदिर में लगभग 150 से 250 सीढ़ियां बनी हुई हैं। मंदिर के चारों तरफ भव्य आकर्षित पेड़ वृक्ष खड़े हुए हैं, जिससे और पत्थर भी पड़े हुए हैं, जिससे इस मंदिर की अलौकिक सुंदरता का दर्शन होता है। इस मंदिर में कई भवन बने हुए हैं और ये जो मंदिर आपको दिखा रहे हैं ये सीढ़ियाँ, ये बलखंडेश्वर महाराज जी का भवन बना हुआ है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में आप जो भी मनोकामना मांगने आते हैं वो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती है। दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान रखना, यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर को जो देखने पुरुष महिलाएं आती हैं वो द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद इस मंदिर में अवश्य ही मत्था टेकने के लिए आते हैं। और यह मंदिर लगभग लगभग बहुत ही बड़े विस्तार में लगभग 30-40-50 बीघा में ये मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। और इस मंदिर से काफ़ी ज़मीनें भी लगी हुई हैं। ये मेन मंदिर, ये देखिए बलखंडेश्वर महाराज, शंकर जी महाराज का लिंग है और इससे सब लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन बनाते हैं। इसमें मनुष्य के साथ साथ जानवर भी आकर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और उन्हें बहुत ही शांति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर प्रांगण में बनाया गया है और भक्त लोग मंगलवार व शनिवार को यहाँ अपना पाठ पढ़ने आते हैं। और इसी के साथ यहाँ काफ़ी पेड़ों की संख्या होने पर यहाँ छाया भी खूब अच्छी तरह से है, जिसमें गर्मियों के मौसम में गर्मी भी नहीं लगती है। और इसी के साथ का भवन है ये दूसरा, जिसमें ये लिंग की स्थापना की गई है और यहाँ पर भी बहुत अच्छा आत्मा को सुकून महसूस होता है। आप लोग आए और यहाँ पर ये देखिए टूटा पड़ा पुल। दोस्तों यहाँ पर सैमड़ा में सिंध नदी है और इस नदी
की विशाल भव्यता देखिए और इस नदी में बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर बीच बीच में पत्थर आकर इकट्ठे हो गए हैं और इस झरने का भी नज़ारा अद्भुत है जो कि देखने योग्य है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इसे हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप देख सकते हैं। यह नज़ारा दिल में मानो कैद सा हो गया है। इस तरह से इसमें जब हम इस नज़ारे को देखते हैं और यह नज़ारा के बीच में ये मंदिर शंकर जी का बना हुआ है, ये बीचों बीच सिंध नदी में बना हुआ है मंदिर। और इस मंदिर की एक खास बात ये है कि यहाँ पर विष्णु जी के पुत्र ने आकर इसी मंदिर में घनघोर तपस्या की थी। इस मंदिर की ये विशेषता है कि इसमें पानी नहीं रुकता और ना ही ये पानी के तीव्र वेग बाढ़ में आज तक गिरा या कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ ये आप जो पुल देख रहे हैं, इस पुल की ये विशेषता है कि यहाँ पर इसके दोनों ओर कोई भी रेलिंग या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं लगाई गई है जिससे कि यहाँ पर खतरा बराबर बना रहता है कि अगर कोई जरा भी चूक हो गई तो वो अपने ज़मीन पर गिरेगा। और ये जो हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं राम रूप भाई साहब, ये भी हमारे साथ घूमने के लिए यहाँ पर नदी पर आए हैं और यहाँ की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है, क्योंकि यह जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ये प्राकृतिक सौंदर्य का भंडार भरा हुआ है जो कि प्रकृति ने स्वयं ही बनाया है। वा आप जो भी यहाँ पर मंदिर घूमने के लिए आते हैं वो इस झरने को देख के अति प्रसन्न हो जाते हैं और ईश्वर से यही कहते हैं कि वाह क्या प्रभु जी आपने ये नज़ारा बनाया है। इस नज़ारे को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है।